तो पहली गारंटी है बिजली की। हम 300 यूनिट बिजली हर परिवार को हर महीने देंगे। पुराने जितने आपके बिल गलत बिल आ रखे हैं, सारे पुराने बिजली के बिल माफ कर देंगे। आपका जीरो बिजली का बिल आएगा, 24 घंटे बिजली आएगी। राजस्थान में विधानसभा चुनाव बेहद नजदीक है, जहां सभी पार्टियां अपना अपना दम रैलियां और सभाओं में दिख रहे हैं, तो वहीं आम आदमी पार्टी ने भी सूबे में अपने पांव जमाने शुरू कर दिए हैं। चुनाव से पहले आपने 4 सितंबर को जयपुर में बड़ा कार्यक्रम आयोजित कर चुनावी दाव खेलते हुए राजस्थान की जनता को 6 गारंटी दी थी। जी हां, पार्टी के संयोजक और दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने 300 यूनिट बिजली मुफ्त देने, सभी कच्चे टीचर्स को पक्का करने, पूरा इलाज फ्री करने की व्यवस्था करने, शहीद सम्मान राशि 1 करोड़ की करने, सभी कच्चे कर्मचारियों को पक्का करने और सभी बच्चों के लिए रोजगार की व्यवस्था करने का वादा किया है। दरअसल एक तरफ राजस्थान में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत महंगाई राहत कैंप लगाकर 10 बड़ी सरकारी योजनाओं के गारंटी कार्ड बांट चुके हैं, साथ ही 2 महीने तक गारंटी कार्ड बांटने का अभियान भी चलाया गया और अब गहलोत सरकार 1 करोड़ महिलाओं को फ्री स्मार्टफोन के लिए गारंटी कार्ड बांट रही है। तो वहीं दूसरी तरफ अरविंद केजरीवाल ने गहलोत सरकार पर हमला करते हुए बड़ी घोषणाओं का पिटारा खोल दिया और राजस्थान की जनता से एक मौका मांगा, साथ ही सभी घोषणाओं को पूरा करने का वादा किया। तो पहली गारंटी है बिजली की। हम 300 यूनिट बिजली हर परिवार को हर महीने देंगे। पुराने जितने आपके बिल गलत बिल आ रखे हैं, सारे पुराने बिजली के बिल माफ कर देंगे। आपका जीरो बिजली का बिल आएगा, 24 घंटे बिजली आएगी। दूसरी गारंटी, आपके बच्चों को अच्छी से अच्छी शिक्षा दिलवाने की, फ्री में शिक्षा दिलवाने की जिम्मेदारी मेरी है। प्राइवेट वाले ने लूट मचा रखी कि नहीं मचा रखी, इनकी लूट बंद करेंगे। सरकारी स्कूलों को दिल्ली जैसा शानदार बनाएंगे। सारे कच्चे टीचरों को पक्का करेंगे। टीचर केवल टीचिंग का काम करेगा, शिक्षा का काम करेगा, शिक्षा के अलावा कोई काम नहीं करेगा। तीसरी गारंटी, स्वास्थ्य की गारंटी, आपके परिवार के एक एक व्यक्ति को अच्छा इलाज दिलवाने की गारंटी मेरी है। हर गांव में, हर मोहल्ले में मोहल्ला क्लिनिक खोलेंगे और शानदार सरकारी अस्पताल पूरे राजस्थान के अंदर बनाए जाएंगे। और ये जो रोज रोज का भ्रष्टाचार, आप किसी दफ्तर में जाते हो, आप कहीं पटवारी के यहाँ जाते हो, पैसे देने पड़ते हैं, नहीं देने पड़ते, कोई दलाल के चक्कर नहीं काटने आपके घर आके काम करते जाएंगे। 18 साल से ऊपर की हर महिला को हर महीने हजार रुपए उसके बैंक अकाउंट में डलवाएंगे। राजस्थान पुलिस या राजस्थान का रहने वाला कोई सैनिक अगर बॉर्डर पे शहीद होता है काम करते हुए, उसको 1 करोड़ रुपए की सम्मान राशि मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए? राजस्थान में भी जितने कच्चे कर्मचारी हैं, सारे कच्चे कर्मचारियों को पक्का किया जाए। तो रोजगार का इंतजाम भी करना आता है, आपके बच्चों के लिए भी रोजगार का इंतजाम करेंगे। अब इससे राजनीतिक चर्चाओं का बाजार गर्म हो गया है, क्योंकि हाल ही में एनडीए के खिलाफ इंडिया का गठबंधन हुआ है, जिसमें 26 दल शामिल हुए थे। इन 26 दल में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी भी शामिल है, जो बीजेपी सरकार को 2024 में चुनौती देंगी। लेकिन इस चुनौती से पहले 5 राज्यों में चुनाव होने हैं, जिनमें से एक है राजस्थान। तो क्या राजस्थान के चुनाव में ये इंडिया का गठबंधन टूट गया है? हाल ही में एक पत्रकार ने जब मध्य प्रदेश और राजस्थान विधानसभा चुनाव को लेकर सौरभ भारद्वाज से सवाल किया, तब उन्होंने कांग्रेस को ही सलाह दे डाली। सौरभ भारद्वाज ने कहा कि दिल्ली के 2015 और 2020 के चुनाव में कांग्रेस को 1 सीट भी नहीं मिली थी। कांग्रेस कह दे कि वो दिल्ली और पंजाब में चुनाव नहीं लड़ेगी, तो हम भी कह देते हैं कि राजस्थान और मध्य प्रदेश में हम चुनाव नहीं लड़ेंगे। हम तो ये बात एक बार बताइए, 2015 में कांग्रेस की सीट 0, 2020 में दिल्ली में कांग्रेस की सीट 0, तब भी वो यहाँ चुनाव लड़ते हैं, क्यों लड़ते हैं यहाँ चुनाव? वो कह दें कि पंजाब और दिल्ली के अंदर चुनाव नहीं लड़ेंगे, हम भी कह देंगे राजस्थान और मध्य प्रदेश में हम भी लड़ेंगे। आइए टेबल पे आके बातचीत तो कीजिए। कांग्रेस ने फिलहाल पंजाब और दिल्ली में चुनाव लड़ने को लेकर कोई राजीनामा तो नहीं किया है, लेकिन हाँ, आम आदमी पार्टी के इंडिया में शामिल होने के बाद ये जरूर माना जा रहा था कि राजस्थान और मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को जरूर इसका फायदा मिल सकता है। आपको बता दें, आम आदमी पार्टी ने गुजरात चुनाव में भले ही कम सीटें जीती हो, मगर वहाँ कांग्रेस को पिछले चुनाव की तुलना में एक बड़ा नुकसान जरूर हुआ था। जब राजस्थान में जहाँ गहलोत सरकार सत्ता रिपीट कर इतिहास बनाने का दावा कर रहे थे, वही विपक्ष से ज्यादा चुनौती उनके लिए अपने और आप बनती जा रही है।